नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अगले माह से सावन माह शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी मानसून का असर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि 5 तारीख को रेनफॉल हुआ था, जिसमें 128 mm यानी 5 इंची के आसपास बारिश हुई, ये दर्ज की गई, और 6 और 7 को हल्के बारिश दर्ज की गई। वहीं आने वाले 2 से 3 दिनों में एक बार फिर इंदौर में बरसात का दौर जारी होगा और इन 3 दिनों में 2 इंच पानी बरसने की संभावना बनी हुई है। ग्रामीण मौसम विभाग के जानकार रणजीत वानखेड़े ने बताया कि आने वाले समय में साउथ वेस्ट मानसून के सक्रिय होने के चलते झमाझम बारिश के आसार बने हुए। बात करें रेनफॉल इवेंट की, वजह से लोगों को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में राहत मिलेगी। जो न्यूनतम तापमान 31 से 30 डिग्री चल रहा था, वो अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। वहीं मौसम के जानकार की माने तो आने वाले दिनों में बादलों के कारण आर्द्रता बढ़ जाएगी और लोगों को चिपचिपी गर्मी महसूस हो सकती है। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि रणजीत वानखेड़े ने बताया है कि बरसात की बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय है पूरे भारतवर्ष में। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में रेनफॉल का इवेंट में कई जगह अच्छी बारिश हो सकती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सांवेर में उज्जैन रतलाम क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई और इंदौर में पानी 3 दिनों में 2 इंच बरसने की संभावना बनी हुई है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो 5 तारीख को रेनफॉल हुआ उसमें 128 mm मतलब 5 इंच के आसपास बारिश हुई और 6 और 7 को हल्की हल्की बारिश ही दर्ज की गई। और आने वाले समय की हम बात करते हैं, इस रेनफॉल इवेंट की वजह से आप लोगों को राहत अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आपको राहत मिली होगी। जो अधिकतम तापमान 31 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था, वो अधिकतम तापमान अब 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया और न्यूनतम तापमान भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। तो आगे वाले दिनों में हम फोकस करते हैं कि आपको जो अपेक्षित आर्द्रता है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, जिससे चिपचिपी गर्मी हल्की सी महसूस हो सकती है। दूसरा, जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड का देखते बढ़त या घटत रहेगी। परंतु हम पानी की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय है मध्य प्रदेश में भी और पूरे भारतवर्ष में भी। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो रेनफॉल का जो इवेंट है वो कहीं कहीं आइसोलेटेड वे में अच्छी रेनफॉल हो सकती है। जैसे कि आपने सांवेर डिस्ट्रिक्ट में भी देखा होगा, कल वो अच्छी वर्षा हुई और रतलाम उज्जैन क्षेत्र में अपने मालवा एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हुई है। तो इसी प्रकार इंदौर में भी हम देखते हैं कि पानी की संभावना बनी हुई है और अपने यहाँ पानी गिरेगा करीब करीब 1 इंच के आसपास। अभी 3-4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। रंजीत वानखेड़े, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।